वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस आवर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में सेकंड पार्ट है बेटा। ये देखिए न्यूमेरिकल है आपके पास, फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल। राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। कुछ आपके पास डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं, उनमें आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। आपने सारे रूल पढ़ रखे हैं, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। क्लियर। फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू आपके पास 5238 न्यूटन। ये कोई फोर्स की वैल्यू है, तो आपको इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने कितने हैं। तो ऐसे कितने होंगे बेटा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। अरे क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपके पास है 4200। पॉइंट कहीं पर नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू है, ग्राम यानी कि मास की वैल्यू है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने होंगे बेटा, 4। अरे क्लियर है, तो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू है वो है 4.000 मीटर। और मैंने कहा था जब रूल्स पढ़ाए थे उस टाइम कि सिग्निफिकेंट जो फिगर है उसमें पॉइंट से जस्ट बाद में, आफ्टर द पॉइंट, जितने भी जीरोस हैं वो सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। क्लियर है ना। अच्छा तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बेटा, 1, 2, 3, 4, 5। पॉइंट के जस्ट जो बाद में भी जीरो है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है 0.02340 न्यूटन पर मीटर। ठीक, देखिए इसमें भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना है, बताना है कितने हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। कौन सा रूल लग रहा है, देखो पॉइंट से जस्ट पहले जीरो है और जस्ट बाद में भी जीरो है। पॉइंट के बिफोर जीरो और आफ्टर जीरो जो है वो काउंट नहीं होते हैं। रूल्स पढ़ा है क्या, तो ये पॉइंट भी, ये जीरो भी काउंट नहीं होगा, ये जीरो भी काउंट नहीं होगा, उसके बाद जो भी है वो काउंट हो जाएंगे। तो उसके बाद है 2, 3, 4, 0। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे बेटा, 4। अरे क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है बताओ। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 4। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। आपको सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे एक वैल्यू आपको दे रखी है, देखिए 4.0 मल्टीप्लाई 10^-4 एंड ये सब्सट्रैक्ट 2.5 मल्टीप्लाई 10^-6। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर लेके आना है कि इसके, और कैसे लेके आना है, सिग्निफिकेंट जो नंबर्स हैं या फिगर्स हैं उनके रेस्पेक्ट में आंसर आपको लेके आना है। तो मैंने बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में 10^2 जो पावर होती है वो कैलकुलेट नहीं होती। तो 10^2 चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती। ठीक है, अब देखो इसको हम लेट अस कंसीडर, लेट इसको ले लेते हैं कि मान लिया हमने कि ये क्या है, ए है 4.0 मल्टीप्लाई 10^-4 और इसको ले लेते हैं कि ये बी है, बी है आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई 10^-6। दोनों वैल्यूज़ को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने से पहले देखिए कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 2 है भाई, 1 और 2। पॉइंट के जस्ट बाद जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो यहाँ पर ये आ गया 4 और 0, दोनों 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे भी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं और इसमें देखें तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बेटा, 2। ठीक है,
तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम है उसी के रेस्पेक्ट में आंसर कैलकुलेट करना है। तो यह इसका मतलब यह हो गया कि जब इन दोनों वैल्यूज का हमें सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आना है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर के कितने होने चाहिए, टू। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू ये 4.0 और ये 10 टू पावर जो 4 है ये नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 10 टू पावर 4। इसको कैलकुलेट करें तो 4.0 अपॉन 10 टू पावर 4 को लिख सकते हैं हम इस तरह से 1, 2, 3, 4। अरे बोलो नहीं क्या? तो इसके इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इसका डिवाइडेशन करें 0.00001, 2, 3, 4 एंड 4। ठीक है, डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आया, आंसर आया 0.0040। ये एक जीरो नहीं आएगा, ये 40 है बेटा। ठीक है ना, ठीक है। और सेकंड उसको कैलकुलेट कर लो, इसको बी को कैलकुलेट करेंगे तो बी का रिजल्ट क्या आएगा, 2.5 अपॉन 10 टू पावर 6 नीचे आएगा तो 10 टू पावर प्लस 6 और 2.5 अपॉन 10 टू पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 और एक ये 0.7 हो गए ना, तो क्या आ जाएगा आंसर 0. देखो 6 और 10 टू पावर 6 और 1 कितने हो गए टोटल, 7 हो गए ना, तो 10 टू पावर 7 कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा जो आपके पास वो आ जाएगा टोटल 0.00000। ये आपके पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5 और आपके पास 2, 5, तो टोटल हो गया 10 टू पावर 6 और 0.1 7 हो गए। तो देखिए पॉइंट के बाद 7 नंबर्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर? अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ए की वैल्यू आपके पास ये है और बी की वैल्यू ये रही। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैलकुलेट करते हैं इसको, देखो आंसर क्या आएगा, आपके पास यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई थी ध्यान रखा, तो इसकी वैल्यू आई थी आपके पास 0.00040 एंड सब्सट्रैक्ट इसकी जो b की वैल्यू आई थी वो आपके पास आई थी 0.00000 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, घर पे करके देखना सब्सट्रैक्ट, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ इसका, घर पे बैठ के इसको सब्सट्रैक्ट करना और चेक करना जो मैंने लिखा है वो आंसर सही है क्या। तो आपके पास आएगा यहाँ से 0.000 और लास्ट में आएगा आपके पास 3975 सब्सट्रैक्ट के आफ्टर, तो आपके पास आ गया 0.0003975। जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 11th में आ गए हैं, सब्सट्रैक्ट करना आना चाहिए आपको, करके देखना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हमारा टारगेट है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रेस्पेक्ट में हमारा आंसर चल रहा है, जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी उसी के रेस्पेक्ट में आना चाहिए। ठीक है, उसी के रेस्पेक्ट में आना चाहिए, तो पहले हम 10 टू पावर में इसको चेंज करें, 10 टू पावर में चेंज करें तो पॉइंट को रिमूव करें तो आपके पास आ जाएगा 3975 और कितने पॉइंट लग रहे हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3, हमने 3 को रिमूव कर दिया तो ये आ जाएगा 10 टू पावर -4। ठीक है, 3, 9, 7 और जो 5 है उसको तो हमने पॉइंट से रिमूव कर दिया तो 10 टू पावर आ गया -4। ठीक है, 10 टू पावर -4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। अब हमारा आंसर किस में चाहिए, हमारा आंसर चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, कितने में चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो देखो a माइनस बी का जो आंसर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे आएगा, यहाँ से देखिए, अब फिलहाल हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और आंसर हमें लेके आना है 2 में, तो इसका राउंडिंग ऑफ करें, तो राउंडिंग ऑफ कर देते हैं बेटा, तो राउंडिंग ऑफ में देखो ध्यान से,
ये यहाँ पे पॉइंट था सॉरी, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ करते हैं तो 3.9, देखिए ये 75 है, 75 की बेस वैल्यू क्या है, 75 की बेस वैल्यू है 100, और 100 का हाफ कितना है 50, 100 का हाफ कितना है 50, 50 से वैल्यू अगर मोर देन है तो वहाँ पर एक राइज कर देंगे, और अगर 50 से लेस देन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो 75 जो है वो मोर देन 50 है, मोर देन 50 है, तो यहाँ वन राइज करेंगे, वन राइज करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 का मतलब यहाँ पे आ गया आपके पास, ये 75 था 4.0, क्लियर। तो हमारे पास आंसर आ गया 4.0 मल्टीप्लाई 10^-4। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो कितने हैं, देखिए राउंडिंग ऑफ के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैंने कहा था कि पॉइंट के आफ्टर जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट होगा, और 10^4 जो है -4 वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, 10 की पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगी। तो आपके पास आंसर आया सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ से आ गया 2, इसका मतलब जो भी आंसर हमने कैलकुलेट किया वो राइट है, क्योंकि हमारा आंसर जो क्वेश्चन था वो भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 में चल रहा था, और आंसर भी हम लेके आ गए सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 में, क्लियर। इसमें कोई भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। जो हमारा RCI का वीडियो है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्वेश्चन पूछते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू क्लास।